रमाकांत, पराग, लगता है कि शिप के प्रोपेलर में कोई पुराना जाल अटक गया है, जिसकी वजह से इंजन बंद हो गया है। डाइव करके तुम दोनों को उस जाल को निकालना होगा। सर, इस काम के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मुझे किसी रमाकांत की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, क्योंकि मैं तुमसे बेटर ड्राइवर हूँ। अच्छा, तो तुम्हें प्रमोशन क्यों नहीं मिला? स्टॉप फाइटिंग। ये वक्त पुरानी बातों को लेकर आपस में झगड़ने का नहीं है। अगर हमारे चीफ ड्राइवर श्रीवास्तव का हाथ ठीक होता तो मैं तुम दोनों की बजाय उसको भेजता। स्टॉप फाइटिंग और डाइव के लिए तैयार हो जाओ। अपने डाइविंग सूट पहनकर नीचे पानी में जाओ और एक स्पेयर सिलेंडर लेकर जाना। मूव मूव कमर और जाकर पराग को बचाओ। कम ऑन। से कौन गया था इसके साथ नीचे? सर, लेकिन मेरे सामने कुछ नहीं हुआ। सर सर, मैं माँ की कसम खाता हूँ सर, मैं तो पराग को जिंदा ही छोड़कर आया था सर। दो ड्राइवर एक साथ नीचे उतरते हैं, उनमें से एक ऊपर आ जाता है और दूसरे नीचे रह जाता है, क्योंकि उसके सीने में चाकू घोंपा गया। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस बात का यकीन करूं? यूर अ मर्डरर रमाकांत। मैंने कुछ नहीं किया सर। अरेस्ट हिम। सर, ये मैंने कुछ नहीं किया सर। सर सर, मेरा यकीन कीजिए सर। सर टाइम 40 सेकंड। आठ। क्या स्पीड है केडी? अरे क्या क्या स्पीड है मिसेस बिलमोरिया, आप जानती है रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है? 6.24 सेकंड्स, 7 सेकंड से भी कम। और ये रिकॉर्ड एक 16 साल के लड़के ने कायम किया है। इम्पॉसिबल। इतना कम टाइम कैसा?
अरे कैसा क्या, आओ मैं आपको इंटरनेट पे बताता हूँ। ये देखिए 6.24 सेकंड। मिस्टर केडी पाठक जी। नमस्ते, मेरा नाम सावित्री देशपांडे है। मेरे स्वर्गवासी पति विद्याधर गोखले के बहुत ही अच्छे मित्र थे। अरे गोखले सर, माय गुरु। आइए आइए प्लीज बैठिए। गोखले सर ने मुझे लॉ के बारे में सब कुछ सिखाया। वैसे उनके घर का नंबर चेंज हो गया उसके बाद में मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मिले नहीं। कहाँ है गोखले सर आजकल? उनका पता तो मेरे पास भी नहीं है। उन्हें ढूंढते ढूंढते ही मैं आप तक पहुंची हूँ। मुझे किसी ने कहा आप उनके सबसे होनहार छात्र हो। ये तो पता नहीं, लेकिन बताइए आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। मेरा बेटा रमाकांत देशपांडे, जो एक पानी की जहाज कंपनी में ड्राइवर का काम करता है, उसे दूसरे ड्राइवर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। अब झूठ क्या है, सच क्या है, ये बताने वाली भला मैं कौन होती हूँ। बस इतना चाहती हूँ आप सच तक पहुंचे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए मिसेस देशपांडे, सच की तह तक पहुंचना ही मेरा काम है। सच तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की तह तक पहुंचना होगा, क्योंकि कत्ल समुद्र के गहराई में हुआ है। मैंने पराग को नहीं मारा चाचा, मैं और पराग शिप के नीचे गए थे क्योंकि शिप के प्रोपेलर में जाल फंस गया था। उसी जाल को हटाने के लिए, उसी जाल में पराग का पैर फंसा और फिर उसके सिलेंडर ने भी काम करना बंद कर दिया। मैंने बहुत, मैं आपको यहां रोकना चाहूंगी। यही सिलेंडर था ना जो आपके साथी ड्राइवर पराग ने पहना था? जी। पर ये तो परफेक्ट कंडीशन में है, इसमें कोई खराबी नहीं, तो प्लीज झूठ मत बोलिए। योर ऑनर, पराग झूठ क्यों बोलेगा कि उसका सिलेंडर काम नहीं कर रहा था? प्रोसिक्यूटर साहब, ये एक मशीन है जो कभी भी चलते चलते खराब हो सकती है। As you say, KD. Go on, Mr. Ramakant. जच्चा, फिर मैं ऊपर गया और मैंने कैप्टन खान को बोला कि पराग के लिए जल्द से जल्द मदद भेजे। यानी कि दो डाइवर्स, जॉनसन और तांबे। जी। आइए आगे की कहानी उन्हीं से पूछते हैं। जी, अब कैप्टन खान के कहने पर मैंने डाइविंग सूट पहना और फिर मैं और तांबे पानी में कूद गए। वन मोमेंट, आप तीनों में से आगे कौन था? जी रमाकांत सर। फिर हम तीनों जाल के पास पहुंचे, वहां पराग सर नहीं थे। फिर हमें लगा कि वो गहरे पानी में गए होंगे, इसलिए हम समुंदर के तय तक गए। इस बार आप तीनों में से आगे कौन था? जी फिर से रमाकांत सर ही आगे थे। जब हम वहां पहुंचे तो वहां पराग सर की बॉडी मिली और वहां ये चाकू मिला। उसके बाद मैंने और रमाकांत सर ने डेड बॉडी को पानी के बाहर निकाला। क्या आप जॉनसन और तांबे के बयान से सहमत है रमाकांत, ऐसा ही हुआ था? जी। डाइव के दौरान पराग को ढूंढते हुए आप इन दोनों के आगे तैर रहे थे, इसका मतलब ये हुआ कि जॉनसन और तांबे कातिल नहीं हो सकते? जी बेशक, और मैं भी कब कह रहा हूँ कि इनमें से किसी ने खून किया है, लेकिन खून मैंने भी नहीं किया मैडम। पराग को इस चाकू से मारा गया जो एक डाइवर्स नाइफ है और इस पर आपके इनिशियल्स हैं आरडी रमाकांत देशपांडे। क्या यह नाइफ आपका है? जी ये मेरा ही नाइफ। ऑर्डर ऑर्डर।
Your Honor, पराग का खून रमाकांत ने कैसे किया, इस वक्त उस बात को छोड़ देते हैं। रमाकांत ने पराग का खून क्यों किया, उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। रमाकांत और पराग की आपसी दुश्मनी की मशहूर कहानी, उन्हीं के बॉस कैप्टन असलम खान की जुबानी। जी योर ऑनर, रमाकांत और पराग की आपस में कभी बनी नहीं, और जब से मैंने पराग को प्रमोशन दिया तब से रमाकांत और पराग के बीच में तनाव और बढ़ गया, खासतौर से रमाकांत की तरफ से। वो पराग की पोजीशन चाहता था। कैप्टन खान, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन क्या यह सही नहीं कि पराग की मौत के बाद आपने वो पोस्ट अपने भांजे को दे दी है? जी, वो मिलनी तो रमाकांत को ही थी, लेकिन इस पर तो कत्ल का इल्जाम है। राइट, कैप्टन खान, आप ही ने उस दिन रमाकांत और पराग को नीचे पानी में भेजा था प्रोपेलर से जाल निकालने के लिए, राइट? जी। तो आपको कैसे पता चला कि प्रोपेलर में जाल अटका है? जी, शिप का निचला हिस्सा, वो हल, हमने वहां अंडरवाटर कैमरा फिट किए हुए हैं, उसी पर देखकर मैंने पता लगाया कि प्रोपेलर में जाल फंसा हुआ है। कैप्टन खान, जिस कैमरा की आप बात कर रहे हैं वो उस दिन के एक हफ्ते पहले से बिगड़ा हुआ पड़ा था। इनफैक्ट योर ऑनर, अगर वो कैमरा ऑन होता तो हमारे पास पराग के मर्डर की तस्वीरें होती। Isn't that right, कैप्टन खान? जी सॉरी, मेरी गलती है, मैंने कैमरे में देखकर नहीं बल्कि शिप के इंस्ट्रूमेंट पैनल में देखकर ये अंदाजा लगाया कि शिप के इंजन रुकने की वजह प्रोपेलर में जाल होगा। ये पराग का ऑक्सीजन टैंक है, इसका मीटर रीडिंग कहता है कि ये फुल है। ऐसा कैसे हो सकता है कैप्टन खान, पराग इससे सांस ले रहा था, ये टैंक अभी भी फुल कैसे हो सकता है? जी आई थिंक एक मिस्टेक है, हमारे शिप के डाइवर्स के ऑक्सीजन टैंक्स काफी पुराने हो चुके हैं और ये अक्सर गलत रीडिंग दिखाते हैं। इससे डाइवर की जान भी जा सकती है, आप कैप्टन होके ये सब होने देते हैं? कैप्टन खान, क्या आप किसी भी वक्त पानी में उतरे थे? कोर्स नॉट, मेरे डाइवर्स के होते हुए मैं भला पानी में क्यों उतरूंगा? तो फिर ये चाकू आपने 200 फुट नीचे डाइवर पराग को नहीं मारा होगा। Unless आपने 200 फुट की ऊंचाई से निशाना लगाकर इस चाकू को फेंका। What do you say, Mr. KD Pathak? I say, don't be sarcastic, Miss My Effortness. Your Honor, मैं ओमेगा लाइनर के चीफ डाइवर मिस्टर जय श्रीवास्तव को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर जय श्रीवास्तव, आप उस दिन डाइव पर जाने वाले थे लेकिन अचानक आपके हाथ को कुछ हो गया, क्या हुआ था? हाथ को नहीं, कंधे को। एक्चुअली एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की वजह से मेरा कंधा बार बार डिसलोकेट हो जाता है, इसलिए। तो फिर आप अपने कंधे को लोकेट कैसे करते हैं? खुद से ही हाथ को थोड़ा खींचकर, लेकिन उसके लिए कुछ दिनों की सावधानी बरतनी पड़ती है और इसीलिए मैंने उस दिन डाइव नहीं किया था। मिस्टर श्रीवास्तव, आपके इस डिसलोकेटेड शोल्डर की कहानी बड़े काम की है लेकिन झूठी है। क्योंकि ये जो एक्सरे आप अपने शिप के मेडिकल ऑफिसर को बार बार देते हैं वो आपका नहीं, आपके भाई का है। इनफैक्ट योर ऑनर, जब बाइक एक्सीडेंट हुआ था वो भी इनका नहीं, इनके भाई का हुआ था। बताइए मिस्टर श्रीवास्तव, बार बार आप अपने मेडिकल ऑफिसर को यह झूठी रिपोर्ट क्यों देते हैं?
छुट्टी लेने के लिए सर। यानी कि काम चोरी और कुछ नहीं? जी जी हाँ, भला और क्या वजह हो सकती है सर, यही वजह थी बस। डिफेंस को लग रहा है कि आपने अपनी डिसलोकेटेड शोल्डर का बहाना बनाया ताकि उस दिन आप टाइप करने से बच जाए। शायद आप जानते थे कि पानी के नीचे पराग का कत्ल होने वाला है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि पराग तो मेरा बहुत गहरा दोस्त था। मैं तो रिलैक्स मिस्टर श्रीवास्तव, कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? जी मैं ऊपर डेक पर था। आप चाहे तो कैप्टन खान से पूछ लीजिए। यानी कि डेक पर आप और आपसे दूर पानी की तह में 200 फुट की गहराई में डाइवर पराग, जहां पर किसी ने उसका खून किया। ऑब्वियसली वो आप नहीं थे, राइट केडी? योर ऑनर, वाटर टाइट केस वो होता है जहां मुलजिम के बचने की जरा भी गुंजाइश ना हो। और इत्तेफाक देखिए, वाटर में मर्डर होने की वजह से ये केस और भी वाटर टाइट हो गया है। कैप्टन खान ने दो डाइवर्स को पानी में नीचे भेजा 200 फुट की गहराई में। उनमें से एक ऊपर आया और थोड़ी देर बाद दूसरे की लाश ऊपर आई। मिस्टर रमाकांत, समंदर में उस वक्त आसपास कोई और शिप या कोई और डाइवर था? जी नहीं। इन शॉर्ट, पानी में दूर दूर तक, मीलों तक कोई तीसरा इंसान नहीं था। और जो बाकी के सब लोग थे, जैसे कि कैप्टन खान, डाइवर्स तांबे और जॉनसन, चीफ डाइवर श्रीवास्तव, डिफेंस के सारे सस्पेक्ट्स, सब शिप की डेक पर थे, एक दूसरों की नजरों के सामने, जहां उनका ये खून करना नामुमकिन था। राइट मिस्टर रमाकांत? जी। फैंटास्टिक। और पानी में था कौन? डाइवर रमाकांत और डाइवर पराग। रमाकांत की पराग से दुश्मनी, पराग की मौत रमाकांत के नाइफ से। मैटर फिनिश्ड, दैट्स इट, ओवर। योर ऑनर, अब ये केस शीशे जैसा साफ हो गया है, और शुड आई से पानी जैसा साफ। विदाउट अ डाउट, ये खून रमाकांत देश पांडे ने किया। योर ऑनर, मेरी थ्योरी के मुताबिक, डिफेंस काउंसिल प्लीज, आप अपनी थ्योरी अपने पास ही रखिए। अगर आप ये केस जीतना चाहते हैं तो आपको साबित करना होगा कि वहां कोई तीसरा था जिसने पराग का खून किया। माय इज राइट किडी, माया की दलीलों के बाद तुम्हारा केस बहुत ही कमजोर हो गया है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि तुम्हारे पास अब केस ही नहीं रहा। सॉरी केडी, तुम्हारा केस डूब गया। अगर एक भी सुराग मिल जाए तो मैं ये केस घुमा सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली फिलहाल ये हालात है कि तुम्हारे अपने बयान ने तुम्हारे केस को कमजोर कर दिया। तुम और पराग अकेले पानी में, और फिर जॉनसन और तांबे तुम्हारे पीछे, तुम्हारे बाद पानी में उतरे। इट्स वेरी टफ रमाकांत, वेरी टफ। 4 साल मैं घर पे बेरोजगार बैठा हुआ था, बड़े हाथ पर मारने के बाद मुझे ये नौकरी मिली थी। घर पे जश्न सा हुआ था, आखिर 8 लोगों का परिवार, एक भाई जिसकी पढ़ाई अभी बाकी है, एक घर जिसका किराया बड़ी मुश्किलों से भरा जाता है। अब ना घर रहेगा, ना माँ का इलाज, ना भाई की पढ़ाई, ना बहन का रिश्ता, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। रमाकांत, तुम्हारे पिता के मित्र, मेरे गुरु गोखले सर, उन्होंने एक बात सिखाई थी मुझे कि हारती हुई बाजी में भी कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। डोंट वरी,
मैं तुम्हारे केस को, तुम्हारी उम्मीदों को डूबने नहीं दूंगा। यही वो जगह जहां से पराग और रमाकांत पानी में उतरे थे। अरे श्रीवास्तव, अब कंधा कैसा है तुम्हारा? ठीक है, चलो ले चलो मुझे नीचे। कहाँ? पानी में। डोंट वरी, मैंने स्क्यूबा डाइविंग का कोर्स किया। ये सूट पहनना तो दूसरी खाल पहनने जैसा है यार। कंफर्टेबल सर? हाँ तांबे, वेरी कंफर्टेबल। तुम्हारे बाल झड़ रहे? हाँ सर, कुछ दिनों से। हाँ, केडी तुम्हें सच में स्कूबा डाइविंग आती है? नहीं आती तो आ जाएगी, एक समय था तभी जब वकालत भी नहीं आती थी मुझे। आ गई, ये लो डीएनए टेस्ट करो। पानी में चाकू लिए ड्राइवर कहां से आया होगा? इसी शिप से। दरे क्योंकि उसके डाइविंग सूट पर ओमेगा लाइनर का लोगो था। थैंक्स सर, अच्छा रिसेप्शन देते हैं आप अपने मेहमानों को। सर थैंक यू, तुम नहीं होते तो मेरा केस डिसमिस हो जाता। लेकिन क्लियरली कोई है जो नहीं चाहता मैं ये केस सॉल्व करूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे एक बार फिर बताएं उस दिन की कहानी क्या हुआ। योर ऑनर, बचपन से मेरी एक बुरी आदत है। जब बचपन में मेरी दादी माँ मुझे कहानियां सुनाया करती थी और कहानी मेरी समझ में नहीं आती थी तो उनसे सवाल पूछने के बजाय मैं उनसे कहानी दोहराने को कहता था, और जब तक वो कहानी पूरी तरह से मैं समझ नहीं लेता था तब तक मैं बार बार उनसे वो कहानी सुनता था। ये केस भी वैसी ही कहानी की तरह है जो अब तक मेरी समझ में नहीं आई थी। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि रमाकांत देशपांडे हमें एक बार फिर उस दिन की कहानी सुनाए। बताओ रमाकांत, क्या हुआ था? जिस दिन कैप्टन खान ने हमसे बोला कि शिप के प्रोपेलर में जाल फंस गया और उन्होंने मुझे और पराग को नीचे भेजा जाल निकालने के लिए। एक मिनट, जब तुमसे डाइव करने को कहा गया क्या उस वक्त तुमने अपना डाइविंग सूट पहना हुआ था? मैंने सिर्फ डाइविंग सूट पहना हुआ था, डाइविंग गियर नहीं। और पराग ने?
जी पराग ने कुछ भी नहीं पहना था, ना ही डाइविंग सूट और ना ही डाइविंग गियर। गुड, फिर मैं अपने कैबिन में गया और वहां जाके मैंने अपना डाइविंग गियर पहना। इस दौरान कुछ और काम भी किया तुमने? जी नहीं, बस अपना डाइविंग गियर पहना, चेक किया और बाहर आ गया। तो रमाकांत, कितना समय तुम्हें लगा बाहर आने में? यही कोई 5-6 मिनट। तो तुम्हें अपना गियर पहनने को कितना समय लगा? यही कोई 4-5 मिनट। और तुम्हारे बाहर आने के कितने समय बाद पराग वहां आया? कुछ ही सेकंड बाद। कुछ ही सेकंड बाद? ये कैसे मुमकिन है? तुमने अपना डाइविंग सूट पहले से पहना हुआ था, लेकिन डाइविंग गियर पहनने में तुम्हें 4-5 मिनट लगे, और पराग उतने ही समय में डाइविंग सूट और डाइविंग गियर दोनों पहनकर बाहर आ गया। हाउ इज इट पॉसिबल? जाहिर है पराग के तैयार होने की स्पीड रमाकांत से कहीं ज्यादा थी। प्रोसिक्यूटर साहब, यह कुर्ता पजामा नहीं कि पहना और हो गया। डाइविंग सूट और डाइविंग गियर पहनने में बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है। अगर एक भी गलती हो गई तो डाइवर की जान भी जा सकती है। योर ऑनर, एक डाइवर को डाइविंग सूट और गियर पहनने में कम से कम कितना समय लगता है, यह मैं इस वीडियो के जरिए दर्शाना चाहता हूं। इजाजत है। Your Honor, एक डाइवर को डाइविंग सूट और गियर पहनने में कम से कम 9 मिनट लगते हैं, 9 मिनट्स। मैं कैप्टन खान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। कैप्टन खान, आप तो बहुत ही माहिर डाइवर हैं। डाइविंग सूट और गियर पहनने में आपको कितना समय लगता है? जी यही कोई 9-10 मिनट। 9-10 मिनट। आपकी शिप पर कोई और है जो आपसे तेज ये काम करता हो? जी सिर्फ एक ही शख्स है, वो है ड्राइवर तांबे, लेकिन सिर्फ 20 या 30 सेकंड तेज है बस। नहीं नहीं, पूरे 5 मिनट जैसे कि पराग था। इम्पॉसिबल, इतनी तेजी से तो कोई भी पूरा डाइविंग कॉस्ट्यूम और गियर नहीं पहन सकता। कैप्टन खान, अगर डाइविंग सूट और डाइविंग गियर 9 मिनट के नीचे पहनना इम्पॉसिबल है, तो उस दिन पराग ने 5 ही मिनट में ये पूरी तैयारी कैसे कर ली? इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता। आप बैठिए, सोचिए इसके बारे में, मैं भी सोचता हूं। योर ऑनर, तब तक मैं बुलाना चाहता हूं ओमेगा लाइनर के कैडेट बोरकर को, जो उस दिन डेक पर काम कर रहा था। बोरकर, उस दिन जब रमाकांत ऊपर आया और उसने कैप्टन खान से मदद मांगी, तो दो डाइवर्स नीचे उतरे थे, राइट? हाँ सर, पहले जॉनसन फिर तांबे। राइट, आपने दोनों को नीचे उतरते देखा? ठीक से नहीं सर, बस मैंने देखा कि जॉनसन ने पहले ऊपर से डाइव मारी, फिर तांबे नीचे उतरे सिप की सीढ़ियों से। और पराग और रमाकांत कैसे उतरे थे? सर वो भी सिप की सीढ़ियों से उतरे थे। योर ऑनर, जाहिर सी बात है कि इतना हैवी इक्विपमेंट लेकर बड़ी सावधानी से उतरना पड़ता है पानी में, ना कि शिप के ऊपर से हीरो की तरह पानी में डाइव मार दिया जाए, जैसे कि जॉनसन ने उस दिन मारा था। जॉनसन को कटघरे में बुलाकर उनके इस हीरोइक एक्ट की वजह पूछना चाहता हूं। जी अब मैं मानता हूं कि हमें सिखाया गया है कि पानी में धीरे से उतरना चाहिए, लेकिन पराग जी की जान बचानी थी इसलिए मैंने वक्त बचाया और शिप के ऊपर से कूद गया। ये जानते हुए कि शिप के ऊपर से कूदने के कारण तुम्हारा इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, टूट सकता है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, स्टिल एनीवे, कैप्टन खान के कहने पर तांबे और तुम पानी की तह तक गए, जा तुम्हें पराग की बॉडी मिली और वो बॉडी लेकर तुम दोनों ऊपर आ गए। जी तो कितने समय तक तुम और तांबे पानी के नीचे थे, अंडरवाटर थे? लगभग 20 मिनट।
मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तांबे और तुम एक साथ पानी के नीचे गए और एक साथ ऊपर आए रमाकांत के साथ पराग की बॉडी को लेकर। दोनों उतने ही समय तक नीचे थे, इस लिहाज से दोनों का ऑक्सीजन टैंक का लेवल सेम होना चाहिए। लेकिन तकलीफ मुझे इस बात की है जॉनसन की तांबे का ऑक्सीजन टैंक अभी भी आधे से ज्यादा भरा हुआ है, जबकि तुम्हारा ऑक्सीजन टैंक ऑलमोस्ट खाली है। ये कैसे हो गया? मेरे मैथमेटिक्स के अनुसार तुम 20 मिनट नहीं, पूरे 45 मिनट अंडर वाटर थे। क्या यह सही है जॉनसन? यह कैसे हो सकता है? जॉनसन और तांबे पानी में एक साथ नीचे उतरे और एक साथ बाहर आए। हो सकता है यह सिलेंडर रीडिंग भी फॉल्टी हो। लेकिन है नहीं प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, दोनों सिलेंडर्स के फोरेंसिक्स की जांच के मुताबिक मीटर रीडिंग्स बिल्कुल सही है। इसका मतलब आप मिस्टर जॉनसन 45 मिनट तक अंडर वाटर थे। 45 मिनट्स जो इत्तेफाक से रमाकांत की भी टाइमिंग है। रमाकांत और आप दोनों 45 मिनट पानी के नीचे थे। केडी, क्या मतलब है तुम्हारा? दोनों का एक ही टाइम, यानी कि योर ऑनर, इसका मतलब यह है जॉनसन और रमाकांत केवल एक साथ पानी से बाहर नहीं निकले, बल्कि एक साथ पानी में गए भी थे। लेकिन रमाकांत के साथ तो पराग उतरा था। अनफॉर्चुनेटली मिस माया फडनिस, वो पराग नहीं जॉनसन था। योर ऑनर, डाइविंग सूट से पूरा बदन और पूरा चेहरा कवर हो जाता है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल होता है, और खासकर जब सारे डाइविंग सूट्स एक तरह हो तो किसी को धोखा देना बहुत ही आसान है। मैं बताता हूं कि उस दिन क्या हुआ। योर ऑनर, उस दिन जब कैप्टन खान ने रमाकांत और पराग को डाइव करने के लिए कहा तो पराग तैयार होने के लिए अपने कैबिन में गया, जहां जॉनसन पहले से मौजूद था अपना डाइविंग सूट पहने। उसने चाकू से पराग की हत्या की। अपने बाकी का डाइविंग गियर पहना और 5 मिनट के अंदर बाहर आ गया पराग बनकर। उसके बाद योर ऑनर, रमाकांत और जॉनसन ने पानी में डाइव किया। पानी में जाते ही जॉनसन ने जाल में फंसने का बहाना बनाकर रमाकांत को ऊपर भेज दिया। तुम्हारी कहानी में एक लूपहोल है केडी। अगर पराग की लाश ऊपर थी तो वो समंदर की तह में कैसे पहुंचे? That's the master stroke, Miss Maya Fernandez. जब कैप्टन खान ने तांबे और जॉनसन को पानी में जाने को कहा, तब जॉनसन तांबे के साथ पानी में कूदा नहीं था, उसे पानी में फेंका गया था। You mean to say कि पराग कभी पानी में उतरा ही नहीं था? Absolutely, Your Honor. अदला बदली, पराग की जगह में जॉनसन ने डाइव और जॉनसन की जगह पर पराग की बॉडी को पानी में फेंका गया। उसके बाद जॉनसन बड़ी होशियारी से जाकर रमाकांत और तांबे के साथ मिल गया, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि वो तभी पानी में उतरा था। तीनों समंदर की तह तक गए जहां उन्हें पराग की लाश मिली। एक और मिस्टेक है कीडी। अगर जॉनसन सारा समय पानी के नीचे था तो पराग की लाश को ऊपर से किसने फेंका?
जॉनसन्स पार्टनर इन क्राइम। तांबे, तांबे। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, तांबे ने ही पराग की लाश को शिप के ऊपर से पानी में फेंका था और इस बात का पता मुझे तब चला जब मैंने तांबे का बॉडी सूट पहना जिसके अंदर जगह जगह ये बाल मुझे मिले। एंड योर ऑनर, फोरेंसिक्स के मुताबिक ये बाल पराग दीक्षित के हैं। उसकी लाश को पानी में से निकालते टाइम झूठ मत बोलो तांबे, पराग की लाश को तुम नहीं रमाकांत और जॉनसन पानी के ऊपर लाए थे। और वैसे भी योर ऑनर, लॉजिकली पानी के अंदर डाइविंग सूट पर बाल चिपक नहीं सकते क्योंकि बाल पानी में बह जाते हैं। जब तुम पराग की लाश को डाइविंग सूट पहना कर उसके कैबिन से बाहर लाए और उसकी लाश को पानी में फेंका। एक्चुअली मैं तांबे और पराग एक ड्रग स्मगलिंग गैंग के लिए काम करते थे। ये गैंग ऐसे ही कार्गो के तले बेस में मैग्नेट के जरिए ड्रग्स लगा देती थी ताकि ऊपर किसी को पता ना चले। और फिर वो ड्रग्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाती हैं, फिर हम वो चुपके से वो ड्रग्स निकालकर वहां के एजेंट को बेच दिया करते थे। मगर पराग ये धंधा छोड़ना चाहता था और मुझे और जॉनसन का डर था कि कहीं वो हमारे लिए खतरा ना बन जाए, इसलिए हमने उसे मारने का प्लान किया। शिप के ऊपर के सारे कैमरे बिगाड़ दिए, नीचे जाल लगाया, फिर वैसे ही हुआ जैसे आपने कहा था केडी। और उस दिन मुझ पर हमला करने की बेवकूफी किसने की थी? तांबे ने। उसे डर था कि आप हमारे लगाए हुए ड्रग्स को ना देख ले, इसलिए सर आपको रोकने के लिए उसने आपके ऊपर हमला किया। लेकिन मैं बच निकला। अनफॉर्चुनेटली तुम दोनों अब नहीं बच सकते। आई रेस्ट माय केस योर ऑनर। यह अदालत मैथ्यू जॉनसन और महेश्वर तांबे को पराग दीक्षित के कत्ल में दोषी पाते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और रमाकांत देशपांडे को कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, आज आपने मेरे बेटे को बचाकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। अब एक उपकार आप भी करिए मुझ पर। कहिए। आपके पति के किसी दोस्त से पता लगवाइए ना कि मेरे गुरु गोखले सर का है। जरूर। एंड ऑल द बेस्ट। कंग्रेचुलेशंस केडी, इस बार मुझे पूरा यकीन था कि तुम केस हार जाओगे। हाँ, मुझे याद है तुमने कहा था कि मेरा केस डूब गया, लेकिन नहीं डूबा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। After you. Am I right or right? शांता मौसी, जरा देखिए दरवाजे पे कौन है।
ज्योति का कहाँ है? मैडम, आपकी दोस्त लोग आई हैं। ज्योतिका, क्या हुआ बेबी? इतना घबराकर फोन किया, सब ठीक तो है? बेब्स, यू ऑल राइट? राइट? फाल्गुनी, महुआ, अतनु का किसी के साथ? तुम दोनों क्या लोगी? चाय? सैंडविच चलेगा। मेरी तो वही मसाले वाली चाय। शांता मौसी, जरा मेरे को अलमारी में कपड़ा जमाने का है, आप खुद ही जाकर बना लो चाय अपने मेहमानों के लिए। What the hell यार, तेरी शांता मौसी को महुआ से प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं उन्हें अचानक क्या हो गया है। महुआ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम्हारी चाय, सैंडविच। थैंक यू। महुआ, क्या हुआ तुझे? अरे कुछ नहीं यार, ये चाय का टेस्ट कुछ अजीब सा है। बादाम डाला है क्या? नहीं तो थोड़ी और शक्कर डाल दूं? दो। अरे चम्मच तो नहीं है। शांता मौसी, चम्मच ले आना प्लीज। किलो। अभी भी कुछ अजीब सा टेस्ट है यार। एनीवे, वो छोड़। तू ये बता कि हमें इतनी जल्दी में यहाँ पर बुलाया क्यों? फाल्गुनी, मौवा, अतनु का किसी के साथ अफेयर चालू है। What? लेकिन तुझे पता कैसे चला? मुझे बहुत दिनों से शक था, लेकिन कल रात मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना, किसी औरत के साथ, और मेरा यकीन पक्का तब हुआ जब मैंने आज सवेरे ये देखा। अतनु की शर्ट पर लिपस्टिक का दाग, महुआ तुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, ये पता नहीं चाय पीने के बाद कुछ चक्कर सा आ रहा है। एनीवे, ये बता, तुझे पता चला कि वो औरत कौन है? नहीं, अगर पता चल गया
तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा है तो ये मेरी चाय में क्या है? महुआ तुझे क्या हो रहा है? कब से कह रही चाय अजीब है, चाय में कुछ है, प्रॉब्लम क्या है तेरी? अरे यार शायद चाय की पत्ती है, निकाल देती हूँ। ज्योतिका जैसे मैंने तुझे अतनु की जिंदगी से बाहर निकाल दिया, क्या अतनु की जिंदगी में वो जो दूसरी औरत है वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। महुआ तुम, और ये आज से नहीं, और ये आज से पिछले दो सालों से चल रहा है। अतनु मुझसे बेहद प्यार करती है, बेहद प्यार। वो तुझे छोड़कर मुझसे शादी करना चाहती है, शादी कर। महुआ महुआ ये तू क्या कह रही है? देख ज्योतिका ये बात तू जितनी जल्दी हो सके समझ, यही बेहतर, यही बेहतर। वैसे भी तुम दोनों का रिश्ता बहुत पहले ही खत्म। आपको मेरी मैडम को बचाना ही होगा केडी साहब, मैं जानती हूँ वो बिल्कुल बेकसूर है, और यह बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। इतना यकीन तो दो ही लोगों को होता है शांता मौसी, एक वो जिसने खून नहीं किया और दूसरा जिसने खून किया हो। अरे ये तो गजब बात हो गई, मैं ये केस लेकर आपके पास आई हूँ और आप हैं कि मुझे पर शक कर रहे हैं। शांता मौसी अगर सवाल ना पूछो तो जवाब तक नहीं पहुंच सकते, और अगर शक ना करो तो सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। मिसेस बिल्लमोरिया ये आपके जो इमली के धुएं वाला नुस्खा है फेल है एकदम, मेरा जुकाम अब सरदर्द में बदलता जा रहा है। शांता मासी कहते हैं कि अगर जुकाम की दवा लो तो एक हफ्ते में जुकाम गायब हो जाता है, और अगर दवा ना लो तो 7 दिन में गायब हो जाता है। पुलिस क्या कहती है? नहीं मतलब मेरे जुकाम के बारे में नहीं, ये हत्या के बारे में, कत्ल के बारे में। किसने जहर देकर इसे मारा है, बादाम की खुशबू, ऐसी खुशबू तो एक ही जहर से आती है, और वो है साइनाइड। ज्योतिका जी ने चाय बनाई, परोसी भी उन्होंने, पुलिस को उन पर शक है, जाहिर सी बात है। ये बताइए कि आप उस वक्त कहाँ थी? मैं नहीं दीजिए, अदालत में बताइएगा, ये तो डबल काम हो जाएगा। ये बताइए कि आप ये केस लेकर क्यों आई है मेरे पास? ज्योतिका जी के पति मिस्टर अतनु ठाकुर को आना चाहिए था। ये बात उन्हीं से पूछ लीजिएगा। ठीक है,
अदालत में पूछ लूंगा उनसे। आप ये बताइए, मेरे जुकाम के लिए कोई नुस्खा है आपके पास? योराना 13 जून 2011 दोपहर 3:15 बजे मिसेस ज्योतिका ठाकुर ने अपने किचन में जाकर 2 कप चाय बनाई, एक अपने लिए और एक अपनी दोस्त महुआ सिन्हा के लिए, और फिर अपने हाथों से दोनों कप्स को सर्व किया। योराना, ये कप ज्योतिका का है जिस पर फोरेंसिक्स को जहर का कोई भी सुराग नहीं मिला, और ये उस कप के पीसेस हैं जो ज्योतिका ने महुआ को दिया था, और इस पर फोरेंसिक्स को पोटेशियम साइनाइड की ट्रेसेस मिले हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। महुआ को आपने घर बुलाया किसने? ज्योतिका ने। चाय के लिए पूछा किसने? ज्योतिका ने। चाय बनाई किसने? ज्योतिका ने। चाय परोसी किसने? ज्योतिका ने। खून किया किसने? ज्योतिका ने। यही कहना चाहती है ना आप? लेकिन शायद आप भूल गई कि हर कत्ल का एक मकसद होता है। एंड योर ऑनर, चाय बनाते और परोसते समय ज्योतिका ठाकुर के पास महुआ का कत्ल करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि वो जानती ही नहीं थी कि इनके पति की प्रेमिका महुआ है। ये बात महुआ ने चाय पीने के बाद सबको बताई। मिस्टर पैथक, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस वक्त ज्योतिका चाय बना रही थी उस वक्त उसे सच पता नहीं था, राइट? एब्सोल्युटली। योर ऑनर, डिफेंस बहुत कन्वीनियंटली बताना भूल चुके हैं कि मिसेस ज्योतिका ठाकुर के पास से पुलिस को ये फोटोग्राफ्स बरामद हुई थी। इन फोटोग्राफ से साफ जाहिर है कि मिसेस ज्योतिका ठाकुर को पहले से ही अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता था, विच आल्सो मींस कि ज्योतिका के पास पहले से ही महुआ के कत्ल की वजह थी। अब आप क्या कहेंगे मिस्टर डिफेंस काउंसल? ये तस्वीरें कहां से आई मुझे नहीं पता। किसी ने मुझे फंसाने के लिए ये तस्वीरें मेरे पर्स में रखी थी। किसने? उसी ने, योर ऑनर, जिसे महुआ की मौत से सबसे ज्यादा फायदा हुआ। महुआ की अपनी बहन मिसेस फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह। मैं मिसेस शाह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? सॉरी, थोड़ी सी जुकाम है। तो मिसेस फाल्गुनी शाह, आप और महुआ दो ही बहनें हैं, राइट? जी। आपका जो करोड़ों का ज्वेलरी बिजनेस है खानदानी, अब महुआ के जाने के बाद उसके पूरे पूरे मालिक और मालकिन आपके पति मिस्टर समर्थ शाह और आप हैं, राइट? व्हाट डू यू मीन कि पैसों के लिए मैंने अपनी बहन को मार डाला? एक्सक्यूज मी, अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि उस दिन मैं पूरा टाइम महुआ के साथ ही थी। तो चाय में जहर मैं कैसे मिला सकती हूँ? चाय में जहर इसने मिलाया है। हाँ, तो वो चाय जो बनी थी वो उसी आसाम की खास पत्ती से बनी थी जो आपने 2 दिन पहले ही ज्योतिका को गिफ्ट की थी, इज दैट करेक्ट? जी जी, लेकिन मिस्टर शाह, आपको आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। योराना, फोरेंसिक्स ने सिर्फ चाय की नहीं, ज्योतिका के पूरे किचन की जांच ली है, और उनका नतीजा क्या है ये जानने के लिए मैं फोरेंसिक्स के डॉक्टर रस्तोगी को बुलाना चाहूंगी। जहर न चाय की पत्ती में था, न चाय के मसाले में, न दूध में, न पानी में और न शक्कर में। वो जहर पोटेशियम साइनाइड अलग से डाला गया था, वो भी सिर्फ महुआ सेना की चाय में। डॉक्टर रस्तोगी, मिसेस ज्योतिका ठाकुर एक आम घरेलू महिला है, तो इन्हें पोटेशियम साइनाइड कहां से उपलब्ध हुआ? जाहिर सी बात है कि अपने किराने की दुकान से तो नहीं। जी, पोटेशियम साइनाइड आम लोगों को मिलना मुश्किल है, उसके लिए आपको या तो किसी केमिकल लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा या केमिकल मैन्युफैक्चरर के पास। किराना, ज्योतिका के पति मिस्टर अतनु ठाकुर एक केमिकल साइंटिस्ट है, उनके लैब में पोटेशियम साइनाइड इजीली अवेलेबल है। मैं उन्हें इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत? जी।
मिस्टर अतनु ठाकुर, आपकी वाइफ यानी कि मिसेज ज्योतिका ठाकुर, क्या उनका आपके केमिकल लैब में आना जाना था? जी, ज्योतिका मेरी वाइफ थी, है। फिर क्या ये कहना सही होगा कि वो जो साइनाइड की शीशी थी वो मिसेज ज्योतिका ठाकुर ने आप ही के केमिकल लैब से चुराई थी? इज दैट पॉसिबल? जी, हो सकता है। एक और बात हो सकती है मिस्टर ठाकुर, क्योंकि फोरेंसिक्स के मुताबिक आपके लैब में जो साइनाइड की शीशी है उस पर सिर्फ आपकी उंगलियों के निशान है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथों से ही वो साइनाइड उस चाय के कप में पहुंचा हो। बेबुनियाद स्टेटमेंट योर ऑनर। मिस्टर अतनु ठाकुर कत्ल के दिन घर में मौजूद नहीं थे। हाँ, लेकिन मैं मिस्टर ठाकुर से पूछना चाहूंगा कि महुआ की मौत से एक मिनट पहले आपने उन्हें उनके मोबाइल पर फोन क्यों किया था? जी, मैंने उसे फोन किया था। क्योंकि मैं उसे रोकना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो हमारे बारे में ज्योतिका को कुछ बताए। Why is that so? क्यों? क्या आप अपनी वाइफ को ये बात खुद बताना चाहते थे? नहीं, मैं खुद महुआ से छुटकारा चाहता था। उसके साथ अफेयर करके बहुत बड़ी गलती की मैंने, और जब मैंने उसे कहा कि मैं उसकी वजह से ज्योतिका को नहीं छोड़ सकता, तो उसने मुझे धमकी दी। धमकी? कैसी धमकी? यही कि अगर मैंने उसकी वजह से ज्योतिका को नहीं छोड़ा तो वो हमारे बारे में ज्योतिका को सब कुछ बता देगी। तब तो काम बन गया आपका मिस्टर ठाकुर, महुआ की मौत से छुटकारा मिल गया। ठाकुर, आपने अभी अभी कहा कि आप महुआ की वजह से अपनी पत्नी यानी कि मिसेज ज्योतिका ठाकुर को छोड़ना नहीं चाहते थे, राइट? जी। वेल देन, मिस्टर ठाकुर, महुआ सिन्हा अपने साथ उस दिन ये डॉक्यूमेंट कैरी कर रही थी, आपका और ज्योतिका ठाकुर का डिवोर्स स्टेटमेंट, जिस पर बाय द वे आपके सिग्नेचर्स भी। यू सी दैट? लेकिन ये योर ऑनर, डिवोर्स अग्रीमेंट पर मिस्टर ठाकुर के दस्तखत होना ये बात साबित करता है कि इन्होंने अपनी पत्नी यानी कि मिसेज ज्योतिका ठाकुर को छोड़ने का पक्का इरादा बना लिया था, और इसी इरादे को नाकाम करने के लिए मिसेज ठाकुर ने महुआ सिन्हा की जान ली, राइट? लेकिन मैंने ऐसे किसी पेपर पर साइन नहीं किया योर ऑनर, किसी ने मुझे फंसाया है। कमाल है मिस्टर ठाकुर, आप कह रहे हैं कि कोई आपको फंसा रहा है, आपकी पत्नी कह रही है कि कोई उन्हें फंसा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों ने मिलकर महुआ सिन्हा को फंसाया? Actually, सोचने वाली बात है मिस गुजराल, कि क्यों कोई आदमी अपनी प्रेमिका को मारकर उस जुर्म में अपनी पत्नी को फंसाएगा? ऐसा करने से तो बेचारा दोनों तरफ से जाएगा। Your Honor, शायद मिस्टर अतनु ठाकुर पर मेरा शक गलत था। मेरा शक दरअसल किसी और पर होना चाहिए। किस पर? केडी शांता मौसी, आपकी मैडम का यह कहना है कि आप महुआ से नफरत करती थी, क्या ये बात सही है? मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी शुरू से ही। क्यों? क्यों नहीं पसंद थी? क्योंकि मेरी मैडम पर वह अपने पैसों का रौब झाड़ती थी। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तुम्हारे पास क्या है, इस तरह की बातें किया करती थी, इसलिए मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। बस इतनी सी बात थी या? जी। क्या ये सच नहीं शांता मौसी कि आपको अतनु जी और महुआ जी के अफेयर के बारे में यानी कि उनके रिश्ते के बारे में जानकारी थी, और यही कारण था कि आप महुआ जी से नफरत करती थी? नहीं साहब, मेरे को उनके अफेयर का कैसे पता रहेगा? जबकि मेरी मैडम को ये बात पता नहीं थी, तो मेरे को कैसे पता होगा? हाँ, ये बात भी ठीक है। वैसे आपकी महीने की तनख्वाह 8,000 रुपए है? जी जी हाँ। तो मिस्टर अतनु, आपके बैंक के खाते में हर महीने 20,000 रुपए जमा करवाते थे, इसकी वजह क्या है? क्या ये गलती से हुआ
या फिर उनकी दरिया दिली या फिर ब्लैकमेल। शांता मौसी को मेरे और महुआ के बारे में पता चल गया था और वो पैसों के लिए मुझे ब्लैकमेल करती थी, इसलिए थैंक यू मिस्टर ठाकुर। आप जाइए। शांता मौसी आइए। हाँ मेरे को पता था, इसलिए मैं उस डायन को चाय तो क्या पानी भी नहीं देती थी। वो मेरी मैडम को धोखा दे रही थी। आपका ये दोगला व्यवहार मेरी समझ में नहीं आया शांता मौसी। एक तरफ तो आप अपनी मैडम की वफादारी में दुनिया से लड़ने को तैयार थी और दूसरी तरफ इसी मैडम को अंधेरे में रखकर आप इनके पति से पैसे ऐंठ रही थी, जो मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है शांता मौसी कि आप महुआ को भले पानी का गिलास ना दे, चाय का कप ना दे, लेकिन जहर का प्याला तो दे सकती है। नॉट पॉसिबल केडी। एंड व्हाई इज दैट मिस कुछ? दो कारण है। एक, अतनु और महुआ के अफेयर से शांता मौसी को पैसों का फायदा हो रहा था, तो महुआ को मारकर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारती? आई डोंट नो, पश्चाताप। अगले कारण से ये भी रूल आउट हो जाता है, शांता मौसी ने ना तो वो चाय बनाई और ना ही पिलाई। हाँ हाँ, क्योंकि उस वक्त मैं बगल वाले कमरे में अलमारी में कपड़े रख रही थी। एक्सक्यूज मी, लेकिन उससे पहले एक बात जो शांता मौसी ने की थी, वो चम्मच, यानी कि ये चम्मच जिस चम्मच से महुआ ने शक्कर घोली थी अपनी चाय में, वो चम्मच शांता मौसी आपने ला कर दी थी ना महुआ? तो अगर उस चम्मच पर जहर लगा होता तो जाहिर सी बात है कि शक्कर घोलते वक्त जहर भी चाय में घुल गया होगा, है ना शांता मौसी? रॉन्ग केडी। योराना, ये वही चम्मच है और फोरेंसिक्स को इस पर जहर का कोई भी सुराग नहीं मिला। मिस्टर पाठक, कैन आई लाइक एडवाइस यू समथिंग? अनदेखे को देखना बंद करो, अपनी आंखों के सामने जो नजर आ रहा है उसे देखो। ऑलराइट योराना, ज्योतिका को शक था कि उसके पति यानी कि मिस्टर अतनु ठाकुर का अफेयर महुआ सिन्हा के साथ चल रहा था, इसीलिए ज्योतिका ने उन पर जासूसी की, वो तस्वीरें खिंचवाई। और जब ज्योतिका को डिवोर्स अग्रीमेंट के बारे में पता चला तो उसने महुआ सिन्हा को मारने का ये जहरीला प्लान बनाया, अपने घर में बुलाकर उसकी चाय में जहर मिलाकर पति की बेवफाई का बदला उसकी प्रेमिका से। ज्योतिका ठाकुर has killed महुआ सिन्हा। मिसेस ज्योतिका ठाकुर ने अपने किचन में जाकर दो कप चाय, एक अपने लिए और एक अपनी दोस्त महुआ सिन्हा, और फिर अपने हाथों से दोनों कप्स को सर्व। और ये उस कप के पीसेस जो ज्योतिका ने महुआ को, और इस पर फोरेंसिक्स को पोटेशियम साइनाइड की ट्रेस। जहर न चाय की पत्ती में था, न चाय के मसाले में, न दूध में, न पानी में, और न शक्कर में। वो जहर पोटेशियम साइनाइड अलग से डाला गया था। और जब ज्योतिका को डिवोर्स अग्रीमेंट के बारे में पता चला तो उसने महुआ सिन्हा को मारने का ये जहरीला प्लान। ज्योतिका ठाकुर has killed महुआ सिन्हा। ये लो। क्या है ये? काढ़ा, नीलगिरी का तेल में खट्टा धनिया विद बासी अदरक, एक सेकंड में जुकाम भाग जाएगा। जुकाम का तो पता नहीं मिसेस बिलिमोरिया, लेकिन ये देखकर तो मुझे भागने का मन कर रहा है। और ये समथिंग इज फ्लोटिंग ऑन टॉप, देखिए कुछ तैर रहा है उस पे। ओ ये अदरक का छिलका।
What are you doing? ऐसा करने से तुम्हारा बंद नाक खुलेगा नहीं। नाक नहीं पर दिमाग खुल गया है मेरा मिसेस बिलमोरिया। केडी पाठक क्या मैं स्पीक टू डॉक्टर रस्तोगी? ज्योतिका, उस दिन फाल्गुनी और महुआ तुम्हारे घर आई। उसके बाद की कहानी मैं चाहता हूं कि एक बार अदालत के सामने आप दोहराएं। एंड मिसेस शाह, मैं चाहता हूं कि चूंकि आप वहां थीं, आप भी ध्यान से सुने और अगर आप किसी बात से सहमत ना हो तो अदालत को बताइएगा। हाँ मिसेस ठाकुर, बोलिए। मैं घर पर ही थी जब डोरबेल बजी। फाल्गुनी और मऊआ आए। मैंने उन्हें चाय के लिए पूछा, तुम दोनों क्या लोगी? चाय? सैंडविच चलेगा। मेरी तो वही मसाले वाली चाय। फिर मैं चाय बनाने के लिए किचन में गई, फिर चाय बनाकर मैंने कप्स में डाली। और आप जब किचन में चाय बना रही थी, वहाँ शांता मौसी या कोई और किचन में नहीं? जी नहीं, कोई भी नहीं था। फिर मैं ट्रे लेकर बाहर गई। महुआ, क्या हुआ तुझे? चाय का टेस्ट कुछ अजीब सा है, बादाम डाला है क्या? यानी कि महुआ ने कप खुद नहीं चुना, तुमने उसकी ओर बढ़ाया। हाँ, लेकिन चाय में जहर ऑलरेडी मिला था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन अक्यूज के स्टेटमेंट को पूरा नहीं होने दे रहा। सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर। मिसेस ठाकुर प्लीज कैरी ऑन। फिर मैंने शांता ताई से चम्मच मंगवाया और चाय में शक्कर डाली। क्या ऐसा ही हुआ था मिसेस शाह? जी हाँ। आगे बोलिए। फिर फाल्गुनी ने मुझसे कुछ पूछा और मैंने उसे अतनु के बारे में बताया। अतनु का किसी के साथ अफेयर चालू है। What? लेकिन तब तक मौवा को चक्कर आने लगे थे। तुम्हारे जहर का असर। योर ऑनर। प्रणाली प्लीज। आगे बोलिए क्या हुआ। फिर मौवा को उसके चाय में कुछ दिखाई दिया। उसने अपनी उंगली चाय में डुबाई और उसे बाहर निकाला। That's it. Stop right here, Your Honor. महुआ ने अपनी उंगली चाय में डुबोकर उसे बाहर निकाला। क्या आप इस बात से सहमत हैं मिसेस शाह? जी हाँ। और महुआ ने उस दिन नेल पॉलिश लगाई थी? पिंक कलर की थी। Your Honor, मेरे रिक्वेस्ट पर फोरेंसिक्स ने मरहूम महुआ सिन्हा के उंगलियों पर लगे नेल पॉलिश की जांच की और उनकी रिपोर्ट इस केस की तरह ही हैरत अंगेज है। Your Honor, the news is truly shocking. महुआ सेना के डेड बॉडी के नाखूनों पर पोटेशियम साइनाइड के ट्रेसेस मिले। उसके नेल पॉलिश में साइनाइड था। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर रस्तोगी, क्या अदालत का ये मान लेना सही होगा कि जहर ज्योतिका ठाकुर के घर से नहीं महुआ सेना के साथ आया था उनके नाखूनों पर? Yes, KD. Your Honor, ये वही जहरीली नेल पॉलिश की शीशी है जो इंस्पेक्टर दवे ने महुआ सिन्हा के घर से बरामद की। एक गिफ्ट बॉक्स में से, और ये गिफ्ट बॉक्स एक हफ्ते पहले उनके प्रेमी मिस्टर अतनु ठाकुर ने उन्हें Order, order. Quiet in the court, please. हाँ, मैंने मौवा को मेकअप बॉक्स और किट गिफ्ट किया था नेल पॉलिश के साथ, लेकिन मैंने उसमें जहर नहीं मिलाया योर ऑनर। मिसेस ठाकुर, आप अपनी दोस्त महुआ को कितने बरसों से जानती हैं? 11 साल से। 11 सालों से, लॉन्ग टाइम। उनकी कोई बुरी आदत जो आपको खटकती रही हो? हाँ, वो जब भी किसी प्रॉब्लम में होती थी तो अपने नाखून चबाती थी। जब भी किसी प्रॉब्लम में होती थी तो नाखून चबाती थी, और एक दोस्त होकर आप ये बात जानती हैं, तो जाहिर सी बात है कि मिस्टर ठाकुर भी जानते होंगे, क्योंकि मिस्टर ठाकुर तो महुआ के प्रेमी थे, राइट?
मिस्टर अतनु ठाकुर, आपने नेल पॉलिश में जहर मिलाया और आपने उस पल का इंतजार किया कि वो प्रॉब्लम में हो, अपने नाखून चबाए और जहर का असर शुरू हो। इज दैट राइट? और इज दैट राइट? और इज दैट राइट? ऑर्डर ऑर्डर। मैंने किसी का खून नहीं किया है, मैं एक साइंटिस्ट हूं, जाने बचाता हूं, लेता नहीं। वन मोमेंट केडी, तुम कह रहे हो कि उस चाय में जहर तब मिला जब महुआ ने उस चाय में अपनी उंगली डुबोई, राइट? केडी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो चाय महुआ को पहले से ही अजीब लग रही थी, उसे तो इनफैक्ट चक्कर भी आ रहे थे। फर्नांडिस राइट केडी, चाय में जहर डालने से पहले ही महुआ पर जहर का असर कैसे हो सकता है? योर ऑनर, ये भी तो हो सकता है कि ज्योतिका के घर पर पहुंचने से पहले बेचैन होकर महुआ ने अपने नाखून कतरे हों और जहर का असर वहीं से शुरू हुआ हो। बादाम जैसी साइनाइड की खुशबू उन्हें चाय से नहीं, अपनी ही उंगलियों से आ रही हो। इज दैट नॉट पॉसिबल? तो फिर सवाल यह उठता है कि महुआ की नेल पॉलिश में जहर मिलाया किसने? उसी ने, योर ऑनर, जिसने उन डाइवोर्स पेपर्स पर मिस्टर अतनु ठाकुर के जाली दस्तखत किए। उसी ने, योर ऑनर, जिसने मिस्टर अतनु ठाकुर और महुआ सिन्हा की तस्वीरें ज्योतिका ठाकुर के बैग में रखी। मिसेस फाल्गुनी शाह, फाल्गुनी। मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? ये सारे इल्जाम गलत है, मैंने कुछ भी नहीं किया। रियली? अगर आपने कुछ नहीं किया मिसेस फाल्गुनी शाह, तो कृपया कर अदालत को बताइए कि मिस्टर अतनु ठाकुर और महुआ सिन्हा की तस्वीरें जो मिसेस ज्योतिका ठाकुर के पर्स से बरामद हुई थी, उन पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे है? ये सच है कि ये तस्वीरें मैंने ही ज्योतिका के पर्स में चोरी से रखे थे जब वो किचन में चाय बनाने गई थी। लेकिन योर ऑनर, ये काम मैंने महुआ के कहने पे किया था। झूठ बोल रही हैं आप मिसेस शाह। महुआ अपने खिलाफ सबूत ज्योतिका को क्यों देना चाहेगी जबकि वो खुद इन्हें सच्चाई बताने वाली थी? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन योर ऑनर, मैं सच कह रही हूँ। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है, उस दिन जब ब्रॉकी और बोजो को छोड़कर हम ज्योतिका के घर जा रहे थे, तो कार में ही महुआ ने मुझसे कहा कि ये तस्वीरें मुझे ज्योतिका के बैग में चुपके से रखने हैं। मिसेस शाह, ये रॉकी और बोजो हुआ दे कौन है? मेरी बहन के पेट डॉग्स। ओह जी। महुआ ने उन्हें अपनी दोस्त को दे दिया अडॉप्शन के लिए। तो आपकी बहन ने अपने पेट कुत्तों को अडॉप्शन के लिए दे दिया, हमेशा के लिए? जी हाँ। ऐसा क्यों? क्या वो अपने कुत्तों से प्यार नहीं करती थी? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। इनफैक्ट वो तो उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। रियली? ये काम मैंने महुआ के कहने पे किया था। महुआ ने मुझसे कहा कि ये तस्वीरें मुझे ज्योतिका के बैग में चुपके से रखने हैं। वो चाय महुआ को पहले से ही अजीब, उसे तो इनफैक्ट चक्कर दिया। फिर महुआ ने अपने कपड़े कुछ देखा, अपने कपड़े कुछ देखा और अपनी उंगली डुबाकर उसे बाहर निकाला। कहाँ खो गए केडी? कहाँ खो गए केडी? योर ऑनर, इस केस में अब तक हम सब तीर सही निशाने पर लगा रहे थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तीर निशाने पर नहीं, निशाना तीर पर लग चुका है। क्या मतलब? जरा सोचिए योर ऑनर, महुआ सिन्हा को बेचैनी में अपने नाखून कतरने की आदत थी, लेकिन उसके मौत के दिन उसने अपने हाथों से अपनी उंगलियों पर जहर भरा नेल पॉलिश लगाया। क्यों? फिर
जान से प्यारे अपने कुत्तों को हमेशा के लिए किसी और को दे दिया। क्यों? अतनु के जाली सिग्नेचर्स वाले डाइवोर्स पेपर्स अपने बैग में लेकर वो ज्योतिका के घर पहुंची, लेकिन उसने ज्योतिका को वो कागजात नहीं दिखाए। क्यों? फिर अपनी मौत से 10 मिनट पहले महुआ सिन्हा ने वो तस्वीरें अपनी बैग से निकलवाकर ज्योतिका ठाकुर के बैग में डलवाई। और फिर अपनी नेल पॉलिश द्वारा चाय में जहर मिलाने से पहले उसने वहां मौजूद सबको यह आभास दिलाया कि चाय में पहले से ही जहर है। क्यों? क्या है तुम्हारा असली सवाल? मेरा असली सवाल यह है योर ऑनर कि क्या महुआ सिन्हा पहले से जानती थी कि उस दिन उसकी मौत होने वाली है? मेरा सवाल यह है योर ऑनर कि क्या महुआ सिन्हा को मारने वाली महुआ सिन्हा खुद है? मेरा सवाल यह है योर ऑनर कि क्या महुआ सिन्हा पहले से जानती थी कि मिस्टर अतनु ठाकुर उन्हें छोड़कर वापस अपनी पत्नी ज्योतिका ठाकुर के पास लौटने वाला है, जिसके कारण उसने अपने आप को मारने का प्लान बनाया और इसका इल्जाम ज्योतिका ठाकुर के सर पर डाला। एक ही झटके में बदला ज्योतिका ठाकुर से और अतनु ठाकुर से भी। ये सोच महुआ सिन्हा के मन में कि अगर मैं तुम्हारी नहीं हो पाई अतनु, तो ज्योतिका भी तुम्हारी नहीं हो पाएगी। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। केडी, तुम्हारी इस दलील को सच साबित करने वाला सिर्फ एक ही शख्स था और वो थी खुद महुआ, जो अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं रही। और तुम सबूत कहाँ से लाओगे? महुआ के इस प्लान का ना तो कोई गवाह है और ना ही कोई साथी है। तुम कैसे साबित करोगे कि महुआ ने खुद अपनी जान ली? बहस के तौर पर मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ केडी, लेकिन बिना सबूत के तुम्हारी ये दिलचस्प दलील महज एक कानूनी बहस है। द कोर्ट नीड्स प्रूफ। न्यू ब्रेसलेट? नहीं, पुराना है, मम्मी ने दिया, सुनार से पॉलिश कराया है। अरे केडी, स्ट्रेंज गाय। तो केडी, क्या तुम्हारे पास अपनी दलील का कोई सबूत है? है योर ऑनर, लेकिन मैं इस अदालत में वो सबूत पेश करूं उससे पहले मैं अदालत को याद दिलाना चाहता हूं। मिसेस फाल्गुनी शाह और मरहूम महुआ सिन्हा दोनों बहनें थी। उनका ज्वेलरी का बिजनेस था और ये खानदानी व्यवसाय उनके मुख्य जौहरी मिस्टर मंगत राम हंसोड़िया की देखरेख में था। मैं मिस्टर हंसोड़िया को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? थैंक यू यार। योर ऑनर, एक जौहरी का इस केस से क्या ताल्लुक? इस जौहरी का इस केस के साथ सीधा सीधा ताल्लुक है प्रोसिक्यूटर साहिबा, क्योंकि इस जौहरी का इस केस के जहर के साथ ताल्लुक है। जहर योर ऑनर, पोटेशियम साइनाइड।
एक आम आदमी पोटेशियम साइनाइड के जानलेवा प्रभाव के बारे में तो जानता है योर ऑनर, लेकिन पोटेशियम साइनाइड के और भी उपयोग हैं ये नहीं जानता। मिसाल के तौर पर ये सोने की सफाई में इस्तेमाल होता है, इसीलिए योर ऑनर ये न केवल केमिकल लेबोरेटरीज या केमिकल मैन्युफैक्चरर्स के पास, जौहरियों के पास भी मिलता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं श्री हंसोड़िया? जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मेरे पास इसकी शीशी भी है। धन्यवाद। और आपके बयान के मुताबिक 12 जून को महुआ सिन्हा ने आपके पास से पोटेशियम साइनाइड की ये शीशी मंगवाई थी, क्या ये सही है या नहीं मिस्टर हंसोड़िया? जी हाँ, हमारी मालकिन ने शीशी मंगवाई थी। वैसे तो हम ये शीशी किसी को नहीं देते, लेकिन मालकिन को कैसे मना कर सकते थे। वो कह रही थी कि उन्हें अपने घर में पुराने जेवरातों को साफ करना है। योर ऑनर, ये तो हम जान चुके हैं कि महुआ सिन्हा ने खुद अपने जौहरी से जहर की शीशी मंगवाई थी, लेकिन ये जहर उन्होंने क्यों मंगवाया था? मिस्टर अंसोडिया, 13 जून सुबह महुआ सिन्हा जी का आपको फोन आया, आप दोनों के बीच बातचीत हुई, उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा, जरा अदालत को बताइए कि वो सवाल क्या था। जी हाँ, उसके अगले दिन मुझे महुआ मैडम का फोन आया था। भगतराम जी, एक प्रॉब्लम हो गई है, अपने गहने साफ करते करते साइनाइड मेरी उंगलियों पर गिर गए, मतलब नाखूनों पर और थोड़ा सा नेल पॉलिश पर। मेरी उंगलियों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं मैडम, हाँ फौरन धो दीजिए, और एक बात का ध्यान रहे मैडम, गलती से भी ये उंगली मुंह में मत डालिएगा, वरना ये जानलेवा हो सकता। नहीं नहीं, मैं अपना ख्याल रखूंगी, डोंट वरी, थैंक्स। जी योर ऑनर, महुआ सिन्हा ने अपने जोहरी मिस्टर हंसोड़िया से ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि वो ये बात पक्की करना चाहती थी कि पोटेशियम साइनाइड को जबान से लगाते ही इंसान की मौत निश्चित है। योर ऑनर, क्या आप भी मुझे अदालत में कोई सबूत पेश करने की जरूरत है जो ये साबित करे कि महुआ सिन्हा ने अपने नेल पॉलिश में जहर मिलाकर अपनी जान लेने का प्लान बनाया? योर ऑनर, इट इज नॉट अ केस ऑफ मर्डर, इट्स सुइसाइड। केडी, तुम्हारी आखिरी दलील साबित करती है कि यह खून नहीं एक षड्यंत्र भरी खुदकुशी थी। महुआ सिन्हा ने अपनी जान लेकर उसका झूठा इल्जाम ज्योतिका ठाकुर पर डाला, जबकि ज्योतिका ठाकुर बेकसूर है, इसलिए यह अदालत मिसेज ज्योतिका ठाकुर को बाइज्जत बरी करते हुए रिहा करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। केडी सर। हाँ ज्योतिका। आज आपकी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट मुझे तो खुशी है कि मेरा जुकाम चला गया। नहीं नहीं, आई मीन मुझे खुशी है कि तुम आजाद हो गई। कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। केडी, अचानक तुम्हारा जुकाम कैसे चला गया? Who knows? I must have done something right. Right?